हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं फूलों से बॉडी लोशन। उसके लिए ये देखिए मेरे पास ये अराजिता के फूल हैं। ये अभी ताज़े फूल तोड़ के लाई हूँ तो कम है, बाकी फूल मैंने 2-3 दिन पहले ही तोड़ के फ्रिज में रखे थे और उनके ऊपर वो बर्फ़ जमी हुई थी तो थोड़े से वो सिकुड़ गए हैं, लेकिन उनका भी बॉडी लोशन बहुत अच्छी तरह से बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये फूल हो चुके हैं, लेकिन पीछे से हम ये डंडियाँ जो है हरे कलर की ये सारी तोड़ लेंगे। ये इनको साफ़ करने के बाद हम ये गिलास में डाल देंगे सारी ही पत्तियाँ। ये देखिए सारे फूल की पत्तियाँ जो हैं सारी इसमें गिलास में डालने के बाद हम ये एक जो है मोगरे का फूल लिए, वो इसके अंदर हल्की सी खुशबू देगा, इसलिए हम ये एक ही फूल मोगरे का डाल रहे हैं। भीनी भीनी सी खुशबू अच्छी लगेगी। तो उसके बाद हम इसके अंदर ये बिल्कुल गर्म पानी है वो डाल रहे हैं और इतना ही पानी डालेंगे जितना कि ये फूल भीग जाए अच्छी तरह से, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर। और इसको डालने के बाद फिर ये 5 से 7 मिनट तक रख देंगे ताकि ये पानी एकदम ठंडा हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये मैंने बिल्कुल ही बराबर फूलों के पानी डाला है और ये फूल जो है पूरे भीग चुके हैं। फ्रेंड्स ये सर्दियों में जो त्वचा रूखी हो जाती है ना तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है बॉडी लोशन। और ये देखिए इस तरह से इसका पानी हो जाएगा। तो पानी को हम फूलों समेत ही जार, मिक्सी का जो जार है उसे साफ़ करके उसके अंदर पीस लेंगे और फिर उसको छन्नी से इस तरह से छान लेंगे और ये जो फ्लावर है ये अलग से कर देंगे। इस तरह से सारा पानी इसका निकाल लेंगे और ये फूल जो है फेंक देंगे। और ये पानी है तो वो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए ये मैंने 2 चम्मच ये मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है और उसके अंदर हम ये पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए एक तरह से लिक्विड बना लेंगे इसका और अच्छी तरह से ये पाउडर घोलेंगे, इसके अंदर गिठली जो रह जाती है वो ना हो। और उसके बाद ये देखिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म रखा हुआ है, ये कोली जो है वो उसके अंदर ही हम रख देंगे और इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे और ये धीरे धीरे इस तरह से गाढ़ा होता जाएगा और अच्छी तरह से इसको हम गाढ़ा कर लेंगे, लेकिन चम्मच लगातार हमें इस तरह से हिलाते ही रहना है। ये देखिए ये हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है, इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो थोड़ा हाथों में जो है तेज भाप आ रही है तो वो गर्म लग रही थी। तो ये देखिए थोड़ा गाढ़ा है तो वो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल दिया वो फूलों वाला और फिर इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद मैंने ये 1 चम्मच जो है इसमें नारियल का तेल डाला है। तेल डालने के बाद फिर से इसको तेल को सारा मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने ये देखिए 2-4 चम्मच हमने ये एलोवेरा लिया है जेल जो मैंने घर पर ही तैयार किया था, तो उसके अंदर ये सारा जो मिक्सर है वो डाल देंगे और अच्छी तरह से एलोवेरा इसके अंदर मिक्स करेंगे। और फिर मैंने ये 4 जो है ये कैप्सूल लिए हैं ई विटामिन के, वो भी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। तो मैंने इसके अंदर जो भी सामान डाला है वो त्वचा के लिए सही रहता है, त्वचा को कोई नुकसान नहीं करता, तो इसलिए हमने यही सारा सामान डाला। और ये देखिए पूरा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने ये एक डब्बी ली है उसके अंदर ये रख देंगे। और ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपको ये हाथ पांव पे ही लगानी है रात को सोते टाइम। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आ रही है आपके तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।